रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम रोज नामचा के साथ जतोई से मैं हूं मोहम्मद उस्मान फारूक आज हम दरियाए सिंध के मकाम पर मौजूद हैं जो दरियाए सिंध की जो तबाह कारियाँ हैं वो इस वक्त जारी हैं सिलाबी रेले की सूरत में हालिया बारिशों की वजह से और पहले तो दरियाए सिंध के ऊपर जो है शदीद कटाव से जो ये लाका है वो मुता रहा है अब जो है आ ये सिलाबी पानी के ज़्यादा होने की वजह से इलाके में जो है इसने अपनी तबाहियाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं यहाँ पर जो अवमी नुमाइंदे हैं मंतब नुमाइंदे हैं हल्का वन एटी फाइव हल्का एक सौ पचासी ये हल्का एक सौ पचासी लगता है जिसके एम एन ए मखदूम बास सुल्तान बुखारी हैं इलेक्शन में वो अवाम के दरमियान मौजूद होते हैं वादे भी करते हैं लेकिन वो वादे बाद में वफा नहीं होते इनसे जो है सिपर बंद का जो वादे किए गए लेकिन जो अभी तक जो पूरे नहीं हुए उसका नुकसान ये हुआ है कि लोग अपने घरों को यहाँ से जो है उखाड़ कर यहाँ से नकल मकानी करने पर मजबूर हैं मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है हम उनसे जानना चाहते हैं कि इस हवाले से क्या कहते हैं जी जी हमारे इलाके में आज तक कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है हम अपनी मदद आपके तहत ये मकान उखाड़ रहे हैं कोई आज तक फ्लड रिलीज कैंप भी यहाँ मुंतखब नहीं हुआ कोई ऐसे नुमाइंदे भी हमारे पास नहीं है यहाँ से पहले यहाँ से आठ किलोमीटर यहाँ से दरिया दूर था अब यहाँ तक पहुंच चुका है ये मकान भी हमारे आपके सामने नजर आ रहे हैं टूट फूट के शिकार हैं कोई यहाँ से हमारा पुरसान हाल नहीं है कितनी बस्तियाँ जो इस दरिया बुर्द हो चुके हैं हाँ ऐसे तकरीबन मेरे ख्याल में दस हजार से ज्यादा बस्तियाँ हैं जो ये दरिया के नजर हो गई हैं आज तक कोई परेशान हाल नहीं है और यहाँ से जो उठ कर जा रहे हैं इनका कोई आगे रहने की जगह भी नहीं है हज़ारों एकड़ रकबा लुंडी पिताफी दा हज़ारों एकड़ रकबा लुंडी पिताफी दा दरिया जाकर सैकड़ों लोग बेकार हो गए हैं है। वजीर आला साहब वजीर आजम तमाम आला हकाम को ऐसा गुजारिश करते हैं आ, खुदारा खुदारा हमें शफकत करें हमारे इलाके लुंडी पिताफी को बचाएं खुदारा बचाएं ए, कई बार गए हैं ऐसी जतोई से और अला हकाम से कई बार गए हैं किसी ने बस आते हैं एक दो बस्तियां लेकर चले जाते हैं वो कहते हैं भी एक दो बस्तियां कटाओ में आई हैं लेकिन हजारों लोग इस वक्त है जरा बेगार थी हजारों लोग सरकारी में दर बदर रोल रहे हैं ऐसा अपील करे सुलाकाम को आला हुकाम को अपील करे सुन्डी भी काफी इकबाल चौक है यहाँ पे स्लैब निकला हुआ है दस मुरबे के करीब ये जो है फसलात ख़त्म हो चुके हैं ये अपनी तहत आप बंद दिए है उससे पानी लगा हुआ है इधर जो एसी सी ने रिलीफ़ कैंप लगवाया है वो सात तो टू आठ किलोमीटर दूर है इकबाल चौक से जहाँ पानी है वहाँ कैंप नहीं है ना इधर देखा है एम एन को ना देखा है एम पी को ना एसी सी को किसी और को नहीं देखा डीसीओ साहब को बहुत सी दरखास्तें दी है हम लोगों ने ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं ये इधर सैलाब है किसी को भी नहीं देखा हम परेशान हैं गरीब लोग हैं बहुत सारा इलाका इतना अपनी तहत आप देते पत्थर अपने आपकी देन सामने बेचन ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਯੱਕੇ ਚਪ ਚੁਕਨ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਥੀ ਗਈ ਕਿਥੇ ਬਾਹਣ ਦੀ ਜਾ ਕੈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਹ ਉਤੜੇ ਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਬੰਸ ਟਟੇ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਤਬਾਹ ਚੁਕੇ ਢੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 5 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 12000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਤਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਸਾਡੇ 4 ਮੌਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁਕੇ ਨੇ ਨੌ ਬ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਲੁੰਡੀ ਪੀਤਾਫੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੜੂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹਲਵ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਸਾਰੇ ਡਿਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਲਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਇਆ ਚਾਰ ਮਾਜਾ ਸਾਡੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵੇਦਰ ਬੰਦੇ ਰੋਦੇ ਪੈ ਨੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਾ ਦਿਓ ਉਥੋਂ ਕੋਠੇ ਉਹ ਢਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਧਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਿਆ ਚੁੱਕ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਦੀਆਂ ਰਬ ਦਾ ਬੀਜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਮ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਕੇ ਮਕਾਮ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਕੇ ਮਕਾਮ ਪਰ ਜੋ ਹੈ شدید ਕਟਾਓ ਹੋਣ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜੋ ਹੈ काफ़ी यहाँ पर जो इलाका मकान है उनकी जो जरी रकबे थे तैयार फसलें थी वो यहाँ पर तबाह हो चुकी हैं उनकी जो यहाँ पर रहने के जो मकान थे वो यहाँ से जो है नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं कई घरों के जो है वो नामो निशान जो हैं वो यहाँ से मिट चुके हैं मेरा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस वक्त भी यहाँ पर एक फैमिली है जो अपने मकान को जो है यहाँ से उखाड़ कर जो है नकल मकानी करने पर जो है वो मजबूर है ये पहले तो अपनी जो मलकियत इनकी जमीन थी वहाँ पर जो है ये बैठे थे अब जो है ये नकल मकानी करके जो है आगे जो है इनकी बैठने के लिए जो है किसी किस्म की जो है कोई जगह नहीं है खुले आसमान तले ये जाकर जो है रिहायश पजीर होंगे मेरे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है इस हवाले से उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं तो, मेरा नाम मोहम्मद इसमाइल है मैं इकबाल चौक पितावी का रिहायशी हूँ और ऐसे इलाके लुंडी पिताबी का इतना बदतरीन हाल हो गया है कि हालिया बारिशों ने इतना सख्त कर रखा है कि बहुत सारा जो है ना नुकसान हो गया है खड़ी फसलें भी तबाह हो गई है इसके अलावा जो ग्राह का सख्त कटाव है अभी जारी है जो हमने जैस जैस अफसरान को दरख्वास्त दी है अपील की है वो कहते हैं कि ये सब आप बकवास करते हैं ये झूठ बोल रहे हैं हम डीसी के पास गए चीफ एग्जिव एडिशनल इमरान साहब के पास गए वो कहते हैं कि आपने झूठ बोला है ये ये कौन कहता है कि लूडी पिता भी का इलाका जो है ये दरिया बर्द हो गया है हमने कहा कि आप आए विजिट करें देखें हमारे इलाके का हाल वो अभी तक नहीं है इस इलाके में और जो है ना हमने एहतसाब अदालत को दरख्वास्त पेश की और जो है ना शूबई अदालत को भी दरख्वास्त पेश किया है अभी तक जो है ना इस वक्त तक कोई लुंडी पिता भी में विजिट नहीं किया किसी अफसरान ने इकबाल चौक लुंडी पिता भी और अपनी मदद आपके तहत आमने जो है ना आवाम के पास जो है ना पैसे ये नगद उगाड़ के आमने ने सिपर बंद दिलवाए थे यहाँ पे यहाँ पर बहुत बुरा हाल है इकबाल चौक में हम रहने वाले हैं यहाँ पर कोई भी इलाके में जो है कोई ऐसी का कार्रवाई नहीं हो ना हुकूमत की तरफ से ना किसी और हम सिर्फ अपने मद आप काम कर रहे हैं खुदारा हमारी इमदाद की जाए ना यहाँ पर हुकूमत की कोई तवज्जो है ना किसी और पुलिस अफरान अफसरान की ना एसपी की ना किसी और की यहाँ पर चारों तरफ पानी फैला हुआ है जैसा कि आपने आज के प्रोग्राम में दरियाए सिंध के जो बासी हैं इलाका मकीन हैं जिनकी नुकसान के बारे में आज उन्होंने सुना आपने सुना मज़द इनका जो यहाँ पर मकामी नुमाइंदे हैं इंतज़ामिया है उनसे जो है ये बार बार कहने पर मजबूर हैं इनकी सुनवाई तो किसी फोर पर जो है वो नहीं हुई ये अपने मुंतखब नुमाइंदे जो यहाँ से मुंतखब होकर यहाँ से रफू चक्र हो चुके हैं आज तक जो है वापस लौट कर इनके पास नहीं आए उनको ये पैगाम दे रहे हैं कि आप जो है आपने अगले इलेक्शन में फिर आना है मुसीबत की इस घड़ी में आप आएँ हमारा साथ दें और हमारे दरमियान जो हमारा नुकसान हुआ है उसके बारे में आप आएँ हमारे दरमियान आए लेकिन अभी तक जो है मकामी नुमांदे हैं वो यहाँ पर नहीं पहुँचे जैसे इनके जो है करोड़ों रुपये का जो है नुकसान हो रहे हैं नकल मकानी करने पर मजबूर हैं इनका यही कहना है इंतज़ामिया से वज़ी अजम इमरान खान और वज़ी अला पंजाब स्स्मान बाज़ार से खुदारा दरिया सिंध के मकाम पर सुपर बंद की तमीर करके जो है मजीद नुकसान से जो है इनको जो है वो बचाया जाए अग, अगले किसी प्रोग्राम के किसी नए टापिक के साथ हाजिर हुए जब तक दीजिए इजाजत मोहम्मद उस्मान फारूक को जतोई से इजाजत दीजिए अल्लाह हाफ